आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई से राहत मिल सकती है क्योंकि कच्चे तेल से लेकर पाम तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। औद्योगिक जींसों की कीमतों में पहले से ही गिरावट हो रही है। वहीं कच्चे तेल के दाम में गिरावट के रुख से भारत का आयात बिल भी कम होगा और इससे चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इस साल मई में खुदरा महंगाई दर 7.04% रही, जबकि अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.78% दर्ज की गई थी। जबकि आरबीआई का मानना है कि अगर क्रूड की कीमत 105 तक स्थिर रही तो पूरे विश्व वर्ष में महंगाई दर घटकर 6.7% रहेगी। वही बता दें, कच्चे तेल का दाम घटने से पेट्रोलियम उत्पाद से जुड़े वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और खुदरा बाजार में पेट्रोल व डीजल के दाम भी कम होंगे। इससे माल ढुलाई का खर्च कम होगा, जिससे खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें काबू में रहेंगी और ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले खर्च भी कम होंगे। वहीं भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चे तेल का आयात करता है तो 65% खाद्य तेल की ज़रूरत की पूर्ति आयात से होती है और उस आयात में सबसे अधिक हिस्सेदारी पाम ऑयल की है। पिछले एक महीने में कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम में 11.5% तो पाम ऑयल के दाम में 37% तक की गिरावट हो चुकी है। पाम ऑयल सस्ता होने से खुदरा महंगाई दर में 4.7 का भार रखने वाले खाद्य तेल की कीमत और कम हो सकती है और बिस्किट पेस्ट जैसी कई घरेलू चीज़ें भी आने वाले महीने में सस्ती हो सकती हैं। इन सब वस्तुओं के उत्पादन में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है और बता दें कि MFMCG कंपनियां भारी मात्रा में पाम ऑयल की खरीदारी करती हैं। वहीं कच्चे तेल के दाम बुधवार को $104 प्रति बैरल से कम के स्तर पर आ गए थे और पिछले एक सप्ताह में इसमें 7% से अधिक तो पिछले एक महीने में इसमें 11.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बता दें कि एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में ये $65 तक पहुंच सकती है। वहीं औद्योगिक जींस जैसे स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, शीशा, जिंक, लोहा, अस्तयक में के दाम है जो पिछले एक महीने में 20% तक की गिरावट इनमें दर्ज की गई है। सरकार की तरफ से स्टील के निर्यात पर शुल्क लगाने से घरेलू स्तर पर स्टील के दाम लगातार कम हो रहे हैं। वहीं भारत में आयात में 30% की हिस्सेदारी पेट्रोलियम पदार्थों की है। कच्चे तेल के दाम कम होने से भारत का आयात बिल कम हो जाएगा और विदेशी मुद्रा का भंडारण बचेगा। वहीं चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले तीन महीने में भारत ने $187 अरब का आयात किया और इनमें बता दें कि $61 अरब का आयात पेट्रोलियम पदार्थों का रहा है। वहीं कोयले के अंतर्राष्ट्रीय दाम में कमी आई है, जिससे आयात बिल पर फर्क पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडारण मजबूत होने से डॉलर के मुकाबले रुपए भी मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।